दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे गोवा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ टिकट कैसे बुक करते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। इस वीडियो में आपसे बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों गोवा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल पर आ जाइए, गूगल पर सर्च कर लीजिए इज़ माई ट्रिप। सर्च करने के बाद ऑफिशियल लिंक के ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको बुकिंग का सेक्शन देखने को मिलेगा। उसमें आपको तीसरे नंबर की लाइन में पहले नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है एक्टिविटीज़ का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन गोवा का देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में आना है। आपको यहाँ पर जो है अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का जो है पैकेज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम बुक करने वाले हैं बागा बीच वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का। 1559 रुपया पर पर्सन टिकट बता रहे, देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो है पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको लगभग से 5 एक्टिविटीज़ इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एक ही पैकेज देखने को मिल रहा है, देख सकते हो 1559 वाला। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग ये जो है आप डाल सकते हो। इस टाइमिंग का कुछ भी महत्व नहीं है, याद रखिए। बुक करने के बाद आप जो है अपने हिसाब से कॉल लगाइए और उसके बाद जो टाइमिंग देंगे वो उस टाइम पर आप वहाँ पर पहुँच जाइए। अब यहाँ पर देख सकते हो 1 एडल्ट है, प्राइस है 1559 रुपये। आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। मैं सिंगल हूँ इसलिए मैं डन पर क्लिक करूँगा। सिलेक्ट पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद नीचे आपको जो है पूरा टोटल हाइलाइट्स वगैरह देखने को मिलेगी, ओवरव्यू वगैरह पढ़ लेना है यहाँ पर टोटल। आप जो है उसके बाद बुक नाउ की बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो टाइटल सेलेक्ट कर लेना है और नाम डाल लेना है। जो आपके आईडी कार्ड पर नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम भर लेना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल लेना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू की बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर आप जो है यहाँ पर जो है वैलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। अमेज़ॉन पर क्लिक करना है, मैक पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो है अमेज़ॉन पे से पेमेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ऑप्शन भी ये दिया हुआ है, देख सकते हो। आप जो है फ़ोनपे वगैरह से भी यहाँ पर कनेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट को कम्प्लीट कीजिए। कम्प्लीट करने के बाद आपका टिकट कन्फर्म जो है आपकी बुकिंग कन्फर्म बुक हो जाएगी। आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पर बुकिंग की डिटेल आ जाएगी, जिसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए। यही नहीं, आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इज़ माई ट्रिप से कांटेक्ट कर सकते हो, उसी के बाद आप बुक कीजिए, या फिर आप बुक करने के बाद भी कांटेक्ट करके आप पूरी डिटेल ले सकते हो। याद रखिए ये वीडियो कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकन दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखे ओके, जय हिंद।